तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जन्नत और जहन्नम क्यों अलग है और इन लोग का मतलब क्या है और इन लोग क्यों ऐसा डिफरेंस बताते हैं इन लोग को ये वीडियो में। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जन्नत और जहन्नम बहुत अलग चीज़ है। जन्नत को इंग्लिश में हेवन कहते हैं और जहन्नम को हेल कहते हैं। कहते हैं कि जन्नत है ना वो अच्छी चीज़ है, जो भी मर जाता है ना और जिसके अच्छे काम रहते हैं, जो बुरी चीज़ें नहीं करता है ज़्यादा, जो अच्छे काम करता है या जिससे मिस्टेक हो जाती है लेकिन मगर सॉरी बोल देता है और उसकी सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उन लोग जन्नत में जाते हैं। और जहन्नम में उसके उल्टे लोग जाते हैं, जो बुराई करते ही रहते हैं और उन लोगों को बुराई करना है दुनिया में, मारना है, मर्डर करना है या ये सब करना है चीज़ें, जो बहुत सारे गलत चीज़ें करते हैं, सिंस करते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुनाह करते हैं, मिसचीफ करते हैं, अपनी मम्मी डैडी को बराबर नहीं रखते, उन लोग सब लोग हेवन में हेल में जाते हैं। तो अभी हेवन और हेल में भी अलग अलग बोलते हैं कि लेवल्स रहते हैं। जैसे हेवन में बोलते हैं 7 लेवल्स रहते हैं जन्नत में, जिसमें एक लेवल पे नॉर्मल रहता है, उसके ऊपर अच्छा रहता है, उसके ऊपर अच्छा रहता है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। ऐसा माइथोलॉजी में कहते हैं कि हेवन में जो खाने रहते हैं वो इतने बड़े बड़े रहते हैं और जो आप सोचे कि दिमाग में वो आ जाता है, प्लस खाने इतने बड़े बड़े, जैसे है ना एक खजूर का पीस इतना रहता है बड़ा, अंजीर का पीस इतना रहता है बड़ा कि तुम एक आदमी अगर एक बार खा ले तो उसका पेट भर जाओ, इतना स्वीट रहता है, हनी से ज़्यादा स्वीट बोलते रहता है उसका खजूर। अगर आपको खजूर नहीं मालूम तो खजूर को डेट्स बोलते हैं। अगर डेट्स आप खाए हो कभी तो आपको मालूम रहेगा, कभी कभी डेट्स एकदम नॉर्मल टेस्ट करता है, इतना स्वीट टेस्ट नहीं करता है। लेकिन बोलते कि अगर जन्नत के डेट्स खाएंगे तो हनी से ज़्यादा स्वीट रहते हैं और सिल्क से ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा कहते हैं जन्नत में। और जन्नत में सिर्फ अच्छे ही लोग जा सकते, बुरे लोग नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे कि मैंने मेरी सोल बेच दिया हो या इल्यूमिनाटी में चले गया फिर भी मैं जन्नत में जाऊँगा, नहीं, ये गलत है। वो लोग आपको सिर्फ बहकाते कि हम लोग आपको इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, हम लोग यहाँ पर आपको झाड़ बना के देंगे, हम लोग आपको जन्नत में घर बना के देंगे, ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि जन्नत है या जहन्नम है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं कर पाया। आप कह रहे हो लेकिन मेरे पास प्रूफ है, ऐसे लोगों ने कहा है, मैं उन लोग की स्टोरीज बताऊंगा आप लोग को। पहले हम बात करते हैं जहन्नम के बारे में, जहन्नम क्या चीज़। तो अभी मैं बताऊंगा जहन्नम के बारे में, जिसे हेल कहते हैं। कहते हैं जहन्नम जो बुरी चीज़ें करते हैं, जैसे मर्डर कर देते हैं या कोई बहुत बुरी चीज़ें करते ही रहते हैं कंटिन्यूसली और माफ़ी भी नहीं मांगता, खुश होते वो सब चीज़ के लिए, उन लोग जहन्नम जाते हैं। कहते हैं जो जन सोल बेच देते हैं अपनी या इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने आपको इल्यूमिनाटी के बारे में बताओ कि अगर सोल बेच देते या डेविल की पूजा करते या उन लोग का सपोर्ट करते तो उन लोग जहन्नम, उन लोग बोलते हैं कि उन लोग आपको जन्नत भेजेंगे मगर नहीं, हम जहन्नम ही जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है माइथोलॉजीज में, लिखा हुआ है क्रिश्चियन की माइथोलॉजी में, लिखेला है हिंदू लोग की माइथोलॉजी में, लिखेला है मुस्लिम लोग की माइथोलॉजी में, लिखेला है सब जगह ये लिखेला है कि जन्नत और जहन्नम है। लेकिन कोई आज तक प्रूफ नहीं कर पाया, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे पास ये है एक दो तीन स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ जहन्नम के बारे में। तो जहन्नम में कहते हैं, अलग अलग लोग कहते हैं, कितने जानते हैं, ये भी कहते हैं कि जहन्नम में आपको ऐसे हंटर मारते हैं कि वो एक हंटर आप कभी लाइटनिंग देखे हो, वो लाइटनिंग जितना स्ट्रांग रहता है, एक हंटर आपको लगेगा तो लाइटनिंग आप पे गिरेगी, समझ जाओ। अगर सोच लो आपने अभी मुंबई में, अगर आप रहते हैं महाराष्ट्र में स्पेशली बैंड्रा या माइम एरिया में, तो आपने देखे होंगे कि लाइटनिंग इतनी जोर से हुई थी कि लाइटनिंग की आवाज़ सुन के हम डर रहे थे। और लाइटनिंग किधर हुई थी, इतनी किलोमीटर दूर आसमान में, सोचो अगर वो आपको लगेगी तो आपको क्या फीलिंग होगी। ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। बल्कि उसकी आग इतनी गर्म रहती है हेल की, क्योंकि हेल जो होता है जो जहन्नम है वो पूरा आग पे बना है, तो बोलते हैं वो आग इतनी गर्म रहती है कि आपसे जलते ही रहेगी आपकी बॉडी और कुछ नहीं होगा, और उसके बाद मरना है ही नहीं। मतलब आप हेल में आ गए, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, आप आफ्टर लाइफ में हो, तो जितनी बार आप जलेंगे तो आपको सिर्फ महसूस होगा जलने का, आप एकदम बेचैनी रहेगी, मगर आप मर नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपकी आखिरी लाइफ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप जो भी करते हो उससे माफ़ी मांग लिया करो, जो अच्छे काम करते हो वही करा करो, बुरे काम नहीं करा करो, जो पुअर लोग उसे खाना दो, उन लोग की हेल्प करो, आपके पास बहुत पैसे तो ऐसा घमंड नहीं दिखाओ, ऐसे सब कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, उन लोग को मज़ा नहीं आती है कि हाँ भाई अच्छे काम करो तो आपको कुछ अच्छा मिले, नहीं, उन लोग अच्छे काम करने बोलते क्योंकि आप हेवन जाओ, आप जन्नत जाओ, जन्नम नहीं जाओ, इसलिए लोग कहते हैं। मेरे को इतने सारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जन्नत और जहन्नम पर एक वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कुछ प्लान नहीं था आज का, मेरा प्लान था दूसरी चीज़ बताने का, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को कितने जानते मुझे बोले फुरकान ऐसा जन्नत और जहन्नम होता ही नहीं, क्योंकि आज तक कोई बता नहीं पाया। भाई मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई मर गया तो वो मर के जिंदा तो नहीं हुआ कि आपको बताएगा कि हाँ भाई मैंने जन्नत देखे या जहन्नम देखे, ऐसा तो नहीं, मगर सब माइथोलॉजी बुक में लिखेला, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ तो सच होएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं या आपको माइथोलॉजी वाले से झूठ बोल के एड़ा बना रहे, ऐसा तो नहीं है। और अगर आप अच्छे काम किए, चलो छोड़ो जन्नत या जहन्नम नहीं है, फिनिश करो,
लेकिन आप अगर अच्छे काम किए तो आपको अच्छा है ना, आपका बेनिफिट है, दुनिया वाले लोग का बेनिफिट है। आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपको बुरे काम करना है, आपको जन्म जाना है, तो आप करो। देखो ये सब बिलीफ पे, सब चीज़ बिलीफ पे। और है ना, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देखना चाहे तो अमेरिकन जो बिलीव नहीं करते, या चाइनीज़ है, या कोई भी है जो जो बिलीव नहीं करते, उन लोगों को भी पूछ लो, उन लोगों को भी एक साथ थोड़ा एक डर होता है कि हम लोग जन्नत जाएंगे या जन्म जाएंगे आफ्टर लाइफ में। कोई ऐसा बोलता नहीं है कि भाई हम लोग को जन्नत जाना, हम लोग को जन्म जाना, कोई ऐसा बोलता नहीं है। लेकिन आप उन लोग को पूछोगे ना तो उन लोग को थोड़ी सी तो डर रहेगी कि हाँ यार हम लोग ने बुरा काम किया, छोड़ो हम लोग अच्छा काम करके उसका जन्नत में जाएंगे, हम लोग हेवन में जाएंगे, हेल में नहीं जाएंगे। तो हेवन में कौन रहते हैं और हेल में कौन रहते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है। तो हेवन में ना सब एंजल्स लोग रहते हैं, एंजल्स मतलब फरिश्ते लोग, फरिश्ते लोग रहते हैं, वहाँ पर आपकी सेवा करेंगे, उन लोग आपको जो चाहिए आपको देंगे, आपकी जो चीज़ चाहिए आपको पूरी करेंगे, जैसे आपको खाना चाहिए खाना देंगे, आपको कुछ चाहिए देंगे, 100% जो चाहिए आपको वो मिलेगा वहाँ पर, आपसे सोचो और वो आएगी आपको दे देंगे। कहते हैं कि उन लोग है ना मतलब इतने इतने अच्छे रहेंगे कि अगर आप कोई अपने रिलेटिव्स को सोचो जो जन्नत में, वो भी आपके साथ आ जाएगा, आप बात कर सकते हो, और सब एक ही एज के दिखेंगे, ना बूढ़े रहेंगे ना जवान रहेंगे, एक ही एज रहेगी सबकी, और सब अच्छे से रहेंगे, कोई किसी की कमी नहीं रहेगी चीज़ की, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ है, उसके बाद कोई लाइफ ही नहीं है। सब कहते कितने जन तो ये भी कहते कि अगर हम जन्नत आ गए वो जन्नत में, हम इतने स्पेसिफिक डेट ही रहते हैं 100 साल 200 साल, फिर उसके बाद हमारा फिर रीबर्थ होता है, मतलब फिर हम जिंदा होते हैं, फिर हम रीबर्थ होता है, हमारा पुनर्जन्म कहते हैं उसे, फिर हम जीते हैं जिंदगी, फिर हमारा एक परीक्षा होती है। कहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है हमारी लाइफ में, हम जो भी कर रहे हैं वो एक परीक्षा है, और वो जब परीक्षा पास होती है तो उसमें मालूम पड़ता है हम जन्म जा रहे हैं या जन्म जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से डिवाइड करते हैं, हमारी ब्रेन की मेमोरीज खत्म कर देते हैं। कितने जन तो ये भी कहते हैं अगर आप जन्नत में जाएंगे या जन्म में जाएंगे उसके पहले आपके दिमाग की सब मेमोरी खत्म कर देंगे, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो आप पहचानेंगे नहीं आपके रिलेटिव्स को, हाँ, और कुछ भी बोलेंगे नहीं। ऐसा दूसरे लोग कहते, कितने जन बोलते हैं रिलेटिव से मिल सकते, अभी ये किसी को मालूम तो नहीं, अभी जितना मेरे को नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, और जन्नत तो आपको मालूम ही हो तो एकदम डेंजर है, बोलते हो सात आसमान में जन्नत है, जन्नत है, और सात ज़मीन पर जन्नत है, एकदम नीचे सात ज़मीन, मतलब इतना गर्म कि आप यकीन नहीं कर सकते। अगर आप बाहर चले जाओ धूप में, अगर आपने मुंबई या इंडिया की गर्मी देखे तो आपको मालूम होगा बाहर चले आप पसीने में भीग जाते हो, वो तो कुछ नहीं है, छोटा सा टेम्परेचर है वो। ये जन्नम है ना, जो जिसे हेल कहते हैं, वो बोलते इतना गर्म कि धुआं, अगर धुआं नहीं एक एक समझ जो आग, अगर आप आग लगा दो और हाथ डालो आपका हाथ इतना जलेगा आप पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, 7-8 दिन तक आपको जख्म रहेगा, उससे ज़्यादा गर्म रहेगा, तो सोच लो भाई आपका क्या होने वाला है। अभी जब मैं टिकटॉक वीडियोस बना रहा था उसके अंदर मैं एक स्टोरी पढ़ा था, मैंने टिकटॉक पे भी डाला था, कि एक आदमी था जिसने ज़्यादा ड्रग्स ले लिया था। कहते वो इतना ड्रग्स ले लिया था कि जब एम्बुलेंस उसे लेने आया वो बेहोश हो गया था। एम्बुलेंस लेने आई तो एम्बुलेंस ने लेके जा रही थी, उसमें पुलिस वाले लोग ने कह दिए थे कि ये मर चुका है, जो डॉक्टर्स थे उन लोग ने कह दिया ये मर चुका है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद जिंदा हो गया, और उसने कहने लगा कि मेरी बॉडी निकल गई थी और मैं सबको देख रहा था और मैंने जन्नत तक चला गया। उसके अंदर मेरे को एसी की रोशनी आई, वो कह रही थी कि मैं हम लोग तेरे को वापस एक चांस दे रहे जाने का, वरना तू इधर रह सकते। जब मैंने वो देखा मेरा दिमाग चेंज हो गया, उसने कहते वो कहने लगा कि मेरा इतना दिमाग चेंज हो गया कि मैं सोचा कि मैं रिटर्न आऊँ ही नहीं, मगर मेरी बॉडी में मैं फिर आ गया और मैं उड़ गया। बोलते कि ये ना झूठ हो सकता है, सब लोग कह रहे थे, ये बोले ये झूठ हो सकता है, ये फेक कर रहा है, न्यूज़ फेक चीज़ें बता रहा है, ये झूठ बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं फेंकता है, मतलब ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जब उसने कहा कि मेरी बॉडी निकल गई, मैं देख रहा था पुलिस वाले और ये डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, बोले एग्जैक्ट मैं देख रहा था, तो लोग बोले अच्छा अच्छा तू ये देख रहा था तो बता हम लोग क्या देख रहे थे, तो उसने सब एग्जैक्ट चीज़ें बताया। ये सुन के इतने शॉक हो गए वो पुलिस वाले और डॉक्टर्स लोग कि उन लोग बोले ये मिरेकल है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने ऐसा देखे। ये ऐसा केस सिर्फ एक बार नहीं हुआ, एक तो बच्चे के साथ हुआ है, उसने बुक भी लिखा है, मैं उसकी भी कहानी आपको बताऊँ। कहते हैं एक बच्चा था, उसकी मूवी भी आई है, उसने बुक भी लिखी है, उसके डैडी लोग ने, उसके माँ बाप ने बुक लिखी है। वो कहने लगा कि वो मर गया था, उसको ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गया था, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेके गए चेक किए तो उन लोग सब ने बोल दिए थे मर गया। कितने टाइम बाद, मतलब समझो ना 10-15 घंटे बाद वो वापस ज़िंदा हो गया बच्चा, और जब वो ज़िंदा हुआ उसने हाथ पकड़ा डॉक्टर और नर्स का, वो एक डॉक्टर नर्स थी, उसका हाथ पकड़ के बोला कि ना आपका बेटा मुझे मिला था, उसने ये बोला। वो नर्स इतनी शॉक हो गई क्योंकि उसने ऐसे ही चीज़ बोला कि उसे उसके बेटे को मालूम है, और उसने बोला कि आपका बेटा हेवन में है, जीसस क्राइस्ट और जो भी है सबके साथ वहाँ पर है, आप ज़रा भी टेंशन मत लो। ये सुन के वो इतना शॉक में आ गई, इतना शॉक में उसने सबको बुलाए, न्यूज़ रिपोर्टर्स तक आ गए थे,
और वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसा वो एकदम कोई बड़ा प्रॉफिट या कोई अलग ही लेवल पे पहुंच गया है, या कुछ का दिमाग कुछ वैसा हो गया। कितने जन तो उसको साइको समझ रहे थे, उसको बोले कि साइको हॉस्पिटल में रखो, इसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो गया। वो एक बच्चा, उसका दिमाग कैसा कमज़ोर रहेगा। तो वो जा के सबको बोल रहा था कि मेरे को आपके मिले, उसको मतलब एक सुपरनेचुरल पावर आ गई थी। कहते हो रिपोर्टर्स लोग को भी जो भी बोल रहा था सब सच बोल रहा था, क्योंकि उन लोग के ऊपर अभी अभी ये सब है, ये उन लोग की स्टोरी है। उन लोग कह रहे हैं उसने बुक बनाया, उसने मूवी बनाया, बहुत अमीर हो गया था, बहुत फेमस हो गया था वो लड़का, अभी है जिंदा कि नहीं वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मेरे साइड की स्टोरी है। अभी मैं आपको मेरे साइड की स्टोरी सुनाता हूँ। उसने बताया हेवन हेल होता है ऐसा बताया। चलो मैं अभी मेरे साइड की स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जिन आ गया था और जिन उसको कंट्रोल कर रहा था, और जैसे उठा वो तो जिन उसके अंदर था, वो सबको एड़ा बना रहा था, क्योंकि जिन लोग को सब मालूम रहता है। उन लोग के पास ऐसा एक ऐसा यूनिवर्स है उन लोग के पास कि उन लोग उसमें जाके 7 साल तक जो आदमी कर रहा है या कर चुका है वो देख सकते हो उन लोग, फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट। तो जिन हो सकता है उसने ऑलरेडी देख लिया होगा पास्ट में और वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ है, ऐसा हो सकता है। नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है। और जिन लोग को ये मालूम है कि जन्नत है या जन्नम है, या जन्नत नहीं है या जन्नम नहीं है, क्योंकि उन लोग खुद जन्नम से आए। कहते हैं कि उन लोग आग के बने क्योंकि उन लोग जन्नम से आए। कितने जन कहते हैं कि एक ही जिन था जो जन्नत में रहता था, उसका नाम था लूसिफर। लूसिफर मतलब आपको तो मालूम है जो हेल को हैंडल कर रहा है लूसिफर, वो जन्नत में रहता था पहले, और वो एक ही ऐसा जिन था जो जन्नत में रहता था जिसको हेल में भेज दिए थे। आप मेरी स्टोरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, पहले भी मैंने डाला। तो ये डिफरेंस था जन्नत और जन्नम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और मैंने एक न्यू चैनल बनाया सेवन न्यूज़ गाय करके, उसके अंदर मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालता हूँ एवरी डे, आपकी सब बात मानता हूँ। किसी ने सेंटा क्लॉज के ऊपर बोला बनाने, उसके ऊपर भी है कॉन्स्पिरेसी मेरे पास, मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, मैंने उसको प्रॉमिस किया नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, मगर नेक्स्ट वीक नहीं, कभी भी बना सकता हूँ, कल भी बना के डाल सकता हूँ। पहले मैं मेरी जूनी वीडियोस जो मुझे बहुत पसंद है वो सब डाल रहा हूँ, फिर न्यू वीडियोस डालूंगा, बहुत मज़ा आ जाएगी। टिकटॉक का तो मालूम नहीं क्या होने वाला है, पबजी रिटर्न होने वाला है, ऐसी न्यूज़ आ रही, खबर आ रही, मेरे को नहीं मालूम। अगर आपको मेरा न्यू बैकग्राउंड पसंद है तो बोलना, नहीं पसंद है तो फिर से ओल्ड बैकग्राउंड पर चले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ही घर है, मेरा ही रूम है, कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ मेरे रूम में। और कुछ भी देखना तो बताओ, अच्छे काम करो, नॉलेज शेयर करो लोगों को। कितने जन मुझे कहते हैं फेक है, फेक चीज़ें बताता है, फेक चीज़ें बताता हूँ तो क्या बोलूँ मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, फेक बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको भी जन्नत जाना है तो अच्छी चीज़ें बताओ, अच्छे काम करो, रिस्पेक्ट करो अपने बड़े को और बुजुर्ग को और जो भी है, रिस्पेक्ट करो अपने बड़े लोगों को और अच्छी चीज़ें करो, बस यही बोलना था। दूसरों लोग की हेल्प करो जो गरीब है, क्योंकि ये ऐसा टाइम आ गया है जो बहुत डेंजरस टाइम है ये, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, जन्नत और जन्म के बारे में ये बता दिया मैंने, नॉलेज दे दिया फुल।